सिट्टू की अखिल भारतीय कमेटी के आह्वान पर महंगाई के खिलाफ मंडी में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। सिट्टू जिला सचिव राकेश कुमार शर्मा ने कहा कि पिछले 3 सालों में आम जनता के साथ खिलवाड़ हुआ है। 3 साल पहले जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी तो कहा था कि महंगाई को खत्म किया जाएगा, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, जिसका विरोध उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि आज के समय में प्याज और टमाटर के दाम आसमान छूने लगे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी लगातार झूठ बोल रहे हैं और मोदी द्वारा नोटबंदी और GST के माध्यम से लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी है। साथ ही इन 3 वर्षों में बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर महंगाई पर रोक नहीं लगाई गई तो अखिल भारतीय स्तर पर एक बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। आज सिट्टू के अखिल भारतीय कमेटी के आह्वान के ऊपर पूरे अखिल भारतीय स्तर के ऊपर ये जो महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन हो रहा है पूरे अखिल भारतीय पूरे हिंदुस्तान के अंदर आयोजित किया जा रहा है। इसमें मेन मुख्य बात यह है कि पिछले 3 महीने से लगातार जो केंद्र की सरकार है जिसने 223 रुपए जो है तो सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी की है, जो एक चिंताजनक विषय है, और लगातार महंगाई बढ़ रही है। आप बाजार में सब्जियों के दाम देखें, आप बाजार में टमाटर के दाम देखें, वो महंगाई बढ़ रही है लगातार, जो लोगों आम लोगों का जीवन जो तो दुर्बल हो गया है। दूसरी तरफ सरकार ने कहा था जब केंद्र की सरकार बनी थी कि हम 2 करोड़ नौकरियों को जो तो हर साल पैदा करेंगे, लेकिन GST के चलते हुए और नोटबंदी के चलते हुए 70 लाख जो नौकरियां हैं नौकरियां चली गई है इस देश के अंदर। 70 लाख लोग जो है तो बेरोजगार हो गए। और अभी महाराष्ट्र के अंदर जब प्याज का सीजन था 1 रुपये किलो प्रति किलो के हिसाब से किसानों से प्याज खरीदा गया, आज वही जो प्याज है वो प्याज 70 रुपये किलो बिक रहा है। यह जो सरकार है ये बड़े पूंजीपतियों की सरकार है, बड़े उद्योगपतियों की सरकार है, और अनाज के अंदर जो सट्टा है उस सट्टे को लगाने की वजह से जो महंगाई बढ़ रही है। इसलिए हम केंद्र की सरकार को आगाह करने आए हैं कि आने वाले दिनों में इस महंगाई को कम करें और महंगाई के ऊपर लगाम लगाएं। अगर ये नहीं होगा तो अखिल भारतीय स्तर पर जो सिट्टू तय करेगी, जो भी आंदोलन तय करेगी, उस आंदोलन को सिट्टू जिला कमेटी कंधे से कंधा मिलाकर के पूरा करेगी। आने वाले समय में इस आंदोलन को तेज किया जाएगा।